बाद में हंगर जो है ना वेरिफिकेशन करेगी, वेरिफिकेशन के बाद जब देखेंगे डॉक्यूमेंट सेम नहीं होगा, तस्वीर सेम नहीं होगी, तो वो आईडी ब्लॉक होने का खदशा है उसमें। अगर किसी भाई ने हंगर स्टेशन में कफाला करवाना हो तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और भाई अभी क्या है ना, अभी तो भाई प्रॉब्लम बहुत आ गई इस टाइम पे हंगर वाले आईडी में। आप सबको पता है कि फेस आईडी का सबसे बहुत मसला हो रहा है, और बहुत लोग यार मेरे पे कमेंट कर रहे थे भाई यार आईडी का क्या सीन है। तो भाई आए हुए हैं अपने भाई के ऑफिस में, और यहाँ से ना आपको सारी आईडी जो है हंगर की, जायज छोड़ के भाई जायज नहीं, बाकी हंगर में अगर जो छोटा मोटा इशू आ रहा है वो रिजोल्व हो जाएगा। और बाकी करीम वोल्ट वो जितनी भी इस टाइम पे, क्योंकि आजकल ना हंगर में काम भाई देखा वो बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है, बहुत ही काम कमा रहा है, ले काम करने का भाई मज़ा नहीं। बाकी अभी ये जो करीम वगैरह का आईडी चल रही ना, इसमें भाई काम अभी अच्छा आ रहा है। तो जिन भाइयों को भाई आईडी वगैरह चाहिए होगी, और भाई का हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, लेकिन भाई यही है ना टाइम टेबल है कि आप बार बार भाई कॉल ना करें। और जिन भाई जिनको मतलब आईडी चाहिए होगी, जिनको भाई ज़रूरत होगी ना, वही लोग भाई कांटेक्ट करेंगे भाई से। यार बहुत लोग भाई परेशान करने लगते हैं भाई क्या रेट है, कैसे है, क्या आईडी है। तो जो कुछ भी होगा भाई तो भाई आपको बता देंगे। और अभी हम भाई से कांटेक्ट करवाते हैं, भाई का ऑफिस है और भाई यहाँ की लोकेशन दे देंगे, और आप यहाँ लोग आके अपना काम करा सकते हैं। और भी मतलब जायज पैसे होंगे, वैसे नहीं कि भाई बहुत बता दिया या कोई फ्रॉड वाला काम है, ऐसा भाई फ्रॉड व्रॉड वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काम भाई नंबर एक का होता है, और जो लोग रियाद में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो डायरेक्ट आके यहाँ ऑफिस से भाई अपना काम करवा सकते हैं। बाकी हंगर की आईडी वाला जिनको भाई चाहिए तो वो तो अभी काम स्टार्ट हो गया, वो तो आपका सही हो जाएगा। बाकी करीम की आईडी भी है, जो भी आईडी है वो सारा उससे रिलेटेड ना भाई, सारा बता दें क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और कैसे क्या चीज़ है, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा भाई। बाकी जो नंबर भाई दूंगा व्हाट्सअप नंबर, ये जो स्क्रीन पे चल रहा है ना, इसी नंबर पे आपको भाई करना रहेगा व्हाट्सअप भाई को, और भाई आपको रिप्लाई करेंगे, और जो भी होगा आपको आप इनसे पूछ सकते हैं। बाकी भाई जो भी प्राइस है ना वो भाई वही बताएंगे, क्योंकि जिनको भाई चाहिए होगा उन्हीं को आप व्हाट्सअप पे आपको मैसेज कर दिया करेंगे आप लोग प्राइस के लिए। तो ये है भाई भाई का ऑफिस, और ये देखो भाईजान, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। तो और ये है भाई अपने आदिल भाई, हाँ आदिल भाई, ये देखो भाई का है। और बाकी भाईजान अभी थोड़ा बिजी है, अभी फ्री होते हैं फिर भाईजान बताएंगे आपको। तो अभी जब भाईजान फ्री होते हैं मैं फिर आपसे बात कराता हूँ, अभी आपको सारी जानकारी भाई दे देंगे, ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होना। ये है अपने जमील भाई, और जमील भाई आपको बताएंगे कि हंगर की जो आईडी वगैरह है कैसे क्या सीन है। तो भाई और जो भी होगा आप जो हंगर करीम की है, मतलब प्राइस तो नहीं बताएंगे एग्जैक्ट भाई, क्योंकि बहुत लोग होते हैं टाइम पास करने के लिए ना मैसेज करते हैं भाई, परेशान करते हैं, भाई भाई को परेशान नहीं करना, और भाई यहाँ की लोकेशन बता देंगे जिनको भाई आना ऑफिस से ले सकते हैं। तो जी जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जमील भाई बताएं कुछ हंगर में जो फेस आईडी का क्या सीन है। अच्छा उसमें ये है कि वो तो कानून हर किसी ने सुना होगा कि नया कानून आया है जी, तो इसमें ये सेल्फी वगैरह ऑलरेडी, हाँ सेल्फी का मैसेज चल रहा था, हाँ बहुत सारे जी जी ऐसे स्टार्ट हो गया। हाँ ये है कि अगर जिनको मसला आ रहा है कि काफी लोग ऐसे हैं कि जो स्टार्टिंग में आईडी किसी और का है तो मतलब उसमें वो अपनी तस्वीर नहीं सेल्फी लगा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लेगा वो, चालू हो जाएगा। मसला ये है कि बाद में हंगर जो है ना वेरिफिकेशन करेगी, वेरिफिकेशन के बाद जब देखेंगे डॉक्यूमेंट सेम नहीं होगा, तस्वीर सेम नहीं होगी, तो वो आईडी ब्लॉक होने का खदशा है उसमें। जी जी, तो उसका हल हमारे पास है, अगर कोई लगवाना चाहता है तो नॉर्मल पैसे में होगा। बाकी उसके अलावा देखें हंगर की आईडी है, करीम की है, जायज की तो कंपनी वाले दे सकते हैं, अपना जैसे कियान हो गई, ठीक है, ईगो हो गई, अपना ब्लिंक है, ठीक है, जी जी जी। जीनी है, जीनी अभी पहले नहीं बन रही थी, जीनी अभी अगर देखें कोई अपने नाम पे बनवाना चाहता है, मेन चीज सैयद खास आमिल मंजिली नाम, अच्छा सैयद खास आमिल मंजिली वाले। और जी जी चीज है, गाड़ी जो है जितने भी है इनके लिए गाड़ी 17 मॉडल होनी चाहिए कम से कम, वो बोल्ट वाले ब्लिंक वाले 18 मॉडल होनी चाहिए, 18 मॉडल है, उसमें नंबर मेंशन हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि हमारा हंगर स्टेशन का शिरका भी है, जी जी। तो अगर किसी भाई ने हंगर स्टेशन में कफाला करवाना हो तो वो भी रब्ता कर सकते हैं, कफाला वाले भी, हाँ बहुत लोग देखिये, हाँ जो कहते हैं कि हम तनख्वाह पे काम नहीं करेंगे तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, जिसके पास जैसे गाड़ी होती है जी, जी, जी। वो अपनी गाड़ी पे काम कर सकते हैं, तो उसकी भी डिटेल मैं अलग दे दूंगा, उसके लिए
मतलब कुछ सारी हमारी इसमें ये होगा कि हम सिर्फ उसका इकामा तजदीद करके देंगे, जी बाकी जितने भी वो होगी जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी, हम जी उससे चार डिलीवरी लेंगे चार डिलीवरी है पर डे के पर हिसाब डे से। के जी ठीक है, बाकी डिटेल मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करें जो जी भी होगा खिदमत इंशाल्लाह, और भी है हमारे पास खिदमत है जैसे होती है जी। खिदमत आमा, ठीक है, बाकी वो व्हाट्सएप पे ये रब्ता करें, क्योंकि कॉल पे मदद जी करता जी हूँ, जी कॉल पे कॉल काफी लोग होते हैं तंग करते हैं, तो फिर जो है ना व्हाट्सएप पे आपको जी जी इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा। तो ये ठीक जैसे है सर, हंगर में जैसे जो कफाला करवाएंगे उनकी सैलरी क्या होगी, मतलब चार देखिए ऑर्डर के वो बाद? उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं जैसे आपको बता दिया है, जो कफाला करवाएगा तो उसमें ये है कि जो अपने ही सवारी यूज करना जी चाहता जी है, चाहे वो उसके पास बाइक है या कार है, कार है ठीक है, वो जी चाहे हमारे शिरके पे अगर वो नाम पे कराना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, अगर जी हाँ जिसके पास रुक्सा नहीं है वो भी आ सकता है। मसलन मेन चीज है, देखें 5 से 6 महीने उनका इकामा वैलिड होना चाहिए, रुक्सा जी हो तो और बेहतर है, अगर हाँ जिसके पास रुक्सा नहीं है अगर वो आएगा तो रुक्सा उस अपनी होगा, उसका अपना चार्जेस अपना। लगेंगे, ठीक है, हाँ, वो हमारा उससे कोई दखल उससे नहीं कोई होगा। हाँ जी अगर कोई रात पे सैलरी पे काम करना चाहता है तो मसला नहीं है, उसका भी आप मैसेज करेंगे तो उनको जी वो सारी इंशाल्लाह डिटेल पूरी डिटेल दी जाएगी इंशाल्लाह। जी। जी बाकी मतलब ये अपना ऑफिस कहाँ पे है ये? जी ये कादसिया में है, जी ठीक जी है, जो व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे उसको इंशाल्लाह उनको लोकेशन दी इंशाल्लाह जाएगी। जी। जी भाई ये थी सारी अपनी डिटेल जो है, और जिनको भी भाई चाहिए, जिनको भी आईडी वगैरह चाहिए, जो भी है जिससे रिलेटेड ना, सारे भाई से मैं जो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ जो स्क्रीन पे चल रहा है ना, इसी पे आपको व्हाट्सएप करना है भाई, कॉल नहीं करनी है। बाकी हंगर का भाई ने बता दिया, कफाला जिनको चाहिए या जिनके पास अपनी गाड़ी है, जो कुछ भी है आईडी से रिलेटेड, आप भाई से मतलब पूरा डिटेल ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आओ, डायरेक्ट बात करके आओ, डायरेक्ट आमने सामने बात करो, उसका भाई कोई चार्ज वगैरह नहीं है। जो भी है आप सामने आओ भाई से, लोकेशन आपको मिल जाएगी, आप यहाँ बात करके सारी आईडी, बाकी जो ये आईडी जैसे अभी चल रही है करीम और रीम की, बोल्ट की, जितनी भी नई नई आईडी चल रही है, इनमें गाड़ियों के भाई बता दिया है कि गाड़ी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। और भाई वही लोग कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, उन्हीं को भाई रिप्लाई करेंगे भाई, जिनको भाई जो है, जिनको चाहन मतलब जिनको चाहिए ये काम, ये टाइम पास वाला भाई नहीं होना चाहिए। बाकी अपनी भी भाई आईडी का मसला आ चुका है, अपने भी जो हंगर स्टेशन की आईडी ना, उसमें फेस आईडी मांग रहा है, तो हम भी अपना करेंगे हिसाब किताब। बाकी जो भी है भाई से अपना मिलवा दिया, ताकि भाई आप लोग कोई परेशानी ना हो, और आप लोग इसी पे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। बाकी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।